हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज के सेगमेंट में हमारे साथ है जय, हु इज अ सीए फाइनलिस्ट एंड जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है लिंक्डइन पे। एंड हाल ही में इन्हें लिंक्डइन क्रिएटर प्रोग्राम से इनवाइट भी आया है। अबाउट जय, ही इज परसुइंग हिज आर्टिकलशिप फ्रॉम ईवाई एंड हिज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम डीयू। सो वेलकम जय टू आवर सेगमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्वाइट। Thank you, Gunjan. Thank you for the overwhelming invitation and welcome. It really means a lot to be here, and hopefully, we will have a lot of value-adding conversation here. बिल्कुल बिल्कुल। सो जय, आपका खुद का भी एक YouTube चैनल जहाँ पे आप आई थिंक पॉडकास्ट लेते हो, राइट? आई हैव सीन जी फ्यू जी ऑफ बिल्कुल. योर पॉडकास्ट एंड दैट वाज रियली गुड। सो आई एम जस्ट होपिंग कि मैं भी आपकी जैसे अच्छे से इस सेगमेंट का एक आई कैन बिकम अ गुड होस्ट जस्ट लाइक यू। आई एम ऑल्सो अ बिगिनर यार. ऐसी तो कोई भी बात नहीं है. लाइक यू गाइज आर ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो ऑब्वियसली आप लोग हमसे कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ आते हो. एंड इट इज ऑलवेज अ डिलाइट टू टॉक टू सीनियर्स लाइक यू, हु कैन गाइड अस जूनियर्स एंड देयर मेट्स इन अ बेटर वे. सो आई गेस द प्लेजर इज ऑल माइन. बिल्कुल जय। सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू बिफोर स्टार्टिंग द सेगमेंट कि मतलब पहला क्वेश्चन ही मान लो सेगमेंट का कि यार मतलब एक क्यूरियोसिटी है कि पहले आपने डीयू के साथ साथ अपना इंटर को भी मैनेज किया एंड आपने उसको क्लियर किया, अभी आप ईवाई में आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो क्या शुरू से हमेशा स्टूडियस टाइप के रहे हो क्या? मतलब स्कूल टाइम में क्या टॉपर वगैरह की कैटेगरी में थे? नॉट एग्जैक्टली टॉपर वाला, बिल्कुल हाई लेवल टॉपर तो नहीं था. मैं अपने आपको गिनता भी अच्छा, नहीं, मतलब रैंक वैंक नहीं आती थी ऐसा नहीं क्लास में? रैंक वगैरह नहीं आती थी, बट हाँ डिसेंट मार्क्स आ जाते थे. 90s में था मैं, बट ऐसा नहीं है कि अच्छा मैंने कभी कोई ऑल इंडिया रैंक आया हो या फिर कभी कोई जून वगैरह टॉप कर लिया. स्कूल टॉप किया था, विच इज आई गेस हर कोई बंदा अपने स्कूल का टॉपर कभी ना कभी तो रह चुका होता है मैं भी रही थी कुछ. अपने और टाइम पे। हाँ, हाँ लेकिन यहाँ सीए में आके रियलिटी पता चल गई। एग्जैक्टली. तो हाँ मतलब स्कूल तक मैं पढ़ा था, उसके बाद फिर मेरे 12th में मैंने 96% आए थे. फिर अच्छा डीयू अच्छा में एडमिशन मिल गया था प्रिटी मुझे. गुड फिर आई यार। वॉज लाइक या तो डीयू में आने के बाद आई वॉज लाइक कि नहीं, अब मुझे नहीं पढ़ना है डीयू का, एटलीस्ट बीकॉम. बिकॉज मैं यही माइंडसेट लेके आया था कि मुझे थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लोर करना है. सीए का अच्छा जरूर पढ़ना है, सीए में मेहनत जरूर करनी है दिमाग वाली. बट जो डीयू की कॉलेज लाइफ है उसमें मैं लोड बिल्कुल भी नहीं लेता था एग्जाम की. बीकॉम के एग्जाम से एक दो दिन पहले पढ़ेंगे, या कई बार तो ऐसा हुआ है कि 3 बजे एग्जाम है, 9 बजे किताबें खोल रहा. अच्छा तो हाँ ये भी करा है मैंने. तो बहुत सारे लोग थे एक्चुअली। मैं अपना बताती हूँ, मेरा ना डीयू में सिलेक्शन हो गया था, बट मैंने सिर्फ इस डर से ज्वाइन नहीं किया था डीयू कि यार पता नहीं मैं सीए में, क्योंकि उसी टाइम मेरा सीपीटी का भी रिजल्ट आया था, तो मुझे था कि अभी पता नहीं मैं इतना आईपीसीसी का प्रेशर प्लस डीयू का प्रेशर साथ में ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। तो ऐसा कुछ मतलब क्या रहता है सीन नॉर्मली, अगर कोई भी डीयू के साथ साथ सीए परस्यू करना चाहता है तो उस पर क्या एकदम ओवरबर्डन आ जाता है? ओवरबर्डन तो मैं नहीं कहूँगा. लाइक ये मैंने अपने कई पोस्ट में भी बात करा है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक मिथ है कि आप रेगुलर कॉलेज के साथ बोझ ग्रुप नहीं कर सकते. क्योंकि तो मैंने तो लोगों से सुना है काफी. आई स्टिल रिमेम्बर मैंने दिसंबर में दिया था, दिसंबर 2018 में सीपीटी दिया था. उसका जनवरी में रिजल्ट आया था. जनवरी में मैं वहां गया था, हमारे पीतमपुरा के पास में कोहाट करके है दिल्ली में, अच्छा। वहां पे सीए का थोड़ा सा छोटा हब है, वहां पे कोचिंग क्लासेस वगैरह होती है. तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं दो तीन इंस्टीट्यूट पे गया, और मैं जहां भी गया उन्होंने बोला कि आप तो लेट हो दो अच्छा ग्रुप अच्छा तैयार करने के लिए, और आप तो कॉलेज वाले हो, हम तो आपको बोल रहे हैं आपका आप एपीटी नवंबर कर. अटेम्प्ट था इंटर का उस टाइम, नवंबर राइट? 2019 में अटेम्प्ट था मेरा, हाँ 9 महीने हाँ थे मेरे पास इंटर के लिए. मेरा शुरुआत से था कि देंगे तो दोनों ग्रुप देंगे, चाहे कोई कुछ भी कह ले, मुझे एक एक ग्रुप देना ही नहीं. मेरा अच्छा वो माइंडसेट बहुत क्लियर था. तो अब मैं गया, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप तो एक एक करके दो. तो घबराया मैं भी था, हाँ 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 बट कहते हैं ना कि जब तक आप कोई चीज करने लेते वो तभी तक ही मुश्किल होती है, उसके बाद सही। समझ आता है कि वो उतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं था. लाइक मेरे को अभी सीए फाइनल हार्ड लग रहा है, आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे कि यार हो हाँ, जाएगा अब ठीक हमें से. इजी लगता है, उस टाइम हार्ड लगा करता था। बिल्कुल बिल्कुल. सो द मोमेंट, वो जो मोमेंट था जनवरी 2018 का, मैं घबरा तो गया था फ्रेंकली, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. बट विद टाइम मेरे को समझ आया कि इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन. राइट, अगर तो ये आपने तीन बोथ चीजें ग्रुप ही हैं, अटेम्प्ट किया फिर? मैंने बिल्कुल दोनों ग्रुप साथ में दिए. मेरा रेगुलर कॉलेज था, मैंने इवेंट्स भी करे, मैंने पार्टीज भी करी, दोनों ग्रुप साथ में क्लियर भी करे हैं. अच्छा, तो वो तो सारे थोड़ा मिथ्स बताओ ना मैं यार, मतलब डीयू का लाइफ वगैरह कैसे रहता है, क्योंकि हमारा सीए का लाइफ तो आपको पता है कि अगर कॉलेज लाइफ को हम लोग बहुत मिस करते हैं। अभी मुझे रिग्रेट होता है कि काश डीयू में चली गई होती जब सिलेक्शन हो गया था, नॉर्थ कैंपस का अच्छा कॉलेज मिला था।
सो बेसिकली मैं जो भी मुझसे सवाल पूछता है, मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ कि जो चीज आपको सीए ऑफर कर सकती है वो आपको डीयू कभी ऑफर नहीं कर सकता, विच इज राइट इंटेलेक्ट एंड द एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर। और जो चीज आपको डीयू ऑफर कर सकता है, द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज, वो आपको कहीं ना कहीं सीए में उतना नहीं मिलेगा, वो कॉलेज लाइफ वाला एलिमेंट। और दोनों का राइट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी चीज होती है। तो मैं जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत टीयर टू टीयर थ्री सिटी से आता हूँ, मैं भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मैं अच्छा वहाँ पे कल्चर नहीं है रेगुलर कॉलेज करने का। अब थोड़ा बहुत होने लगा है कि लोग डीयू आने लगे, वरना आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बैच से मैं अकेला बंदा था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था, अच्छा और मेरे साथ एलिजिबल थे काफी लोग, पर वो फिर भी नहीं आए थे। मेरे से जो पिछले बैचेस थे उसमें से कम 4-5 बैचेस में से गिन 4-5 बैचेस मिला के 2 लोग आए थे डीयू में। गजब तो वो कल्चर था उधर की, नहीं जाना है कॉलेज करके क्या करेंगे, सीधे सीए कर लेते हैं और अच्छा, लोकल तो वो लोग यूनिवर्सिटी सिर्फ में। सीए ही ऑप्ट करा करते थे, उसके साथ मतलब एक वो रेगुलर कॉलेज की जगह, कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ वैसा वाला कॉलेज करते थे। अच्छा तो मेरे को था कि यार, क्योंकि आई रियली वांटेड कि मैं इधर भिलवाड़ा में रुकना नहीं चाहता था, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को दिक्कत थी, बट ये था कि नहीं, आई वांट टू गो एंड एक्सप्लोर। मुझे राइट, वो डीयू की कॉलेज लाइफ जीनी है, मुझे देखना है एंड कि आई थिंक बाहर बहुत कैसे जरूरी लोग। होता है उस स्टेज पे आपको एक अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एंड बाहर निकलना, तभी आप खुद से ग्रो कर तो पाते हैं। हाँ, आई वॉज नॉट इवन 18 ईयर्स ओल्ड, मैं साढ़े अच्छा सत्रह साल का था और मैं दिल्ली आया था पहली बार कॉलेज के लिए। एंड आई डू नॉट रिग्रेट द डिसीजन, मेरे को एक एक भी चीज का रिग्रेट नहीं है उस डिसीजन को लेकर, क्योंकि जो कॉलेज लाइफ ने मुझे एक्सपोजर दिया है, जो अपॉर्चुनिटी दी है और जो मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करा है, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कॉलेज एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है। बिकॉज अगर वो चीज ना हुई होती तो शायद आज मैं सीए फाइनलिस्ट तो होता बट उस तरीके का नहीं होता। राइट राइट सो काफी कुछ दिया है डीयू ने, राइट। एंड व्हाट अबाउट ईवाई, एग्जैक्टली लाइक अभी ईवाई के साथ आपका कैसा पढ़ाई मैनेज चल रही है, वहां कैसा क्या प्रेशर लग रहा है? ईवाई मतलब मेरे को 2 साल होने वाले हैं। अभी मेरे को कल मुझे 23 मंथ्स हो जाएंगे और अच्छा अगले महीने मुझे 24 मंथ्स हो जाएंगे। सो बेसिकली ईवाई में 23 मंथ्स में जर्नी जो है वो सच में काफी 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 एक्सेप्शनल रही है। एक्सेप्शनल इज अ ईवाई रिलेटेड वर्ड, क्योंकि हाँ हमारे हाँ जो अवार्ड अच्छा होते हैं उसको भी हम एक्सेप्शनल अवार्ड कहते हैं, एक्सेप्शन ओके जर्नी होती है। तो वो काफी अच्छा रहा है अभी तक मेरा फर्स्ट ईयर। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा सबसे एक्साइटिंग जो था वो मैं कहूंगा कि मेरा फर्स्ट ईयर था, क्योंकि सब कुछ इतना नया था, सब कुछ बहुत इतना नया। एक्साइटिंग था। और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे एक ऐसा क्लाइंट मिला जो एक स्टार्टअप था जिसका आईपीओ आने वाला था। तो अच्छा वेन यू आर वर्किंग ऑन एन आईपीओ क्लाइंट, सो एवरीथिंग इज न्यू, एवरी राइट डे इज अ चैलेंज, एवरी डे यू हैव टू फेस समथिंग न्यू, यू हैव टू कंक्लूड एंड ऑडिट और एनालाइज समथिंग न्यू। सो इट वॉज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। एंड जो फर्स्ट ईयर था उसमें आई हैव लर्न अ लॉट, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि शुरुआत के जो फर्स्ट 12 मंथ और 15 मंथ थे, आई यूज टू टेक अप अ लॉट ऑफ यू नो चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। मैं कभी किसी चीज को मना नहीं करता था उस वक्त कि यार ठीक अच्छा है, मतलब मेरा माइंडसेट था कि मुझे सीखना है इन 12-15 महीने बहुत में जितना जरूरी हो होता है, सही बात है। सके, क्योंकि मैं सिर्फ ब्रांड के लिए नहीं गया था। जब ईवाई में सिलेक्शन हो गया, अगर मैं जाके कुछ ना भी करता या वर्क बहुत एवरेज करता तो ब्रांड तो मेरे साथ रहता, उसके आगे मैं लिवरेज भी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मेरा ये नहीं, मैं ब्रांड लेके जा रहा हूँ, साथ में मुझे स्किल्स भी बनानी है और साथ में मुझे खुद का काम भी सीखना है। तो वो चीज बहुत अच्छी तरह से सीख पाया हूँ। और स्टडीज तो यार मैनेज, मैं तो ये कहता हूँ कि करनी पड़ती है। ऑब्वियसली अगर आप मैं एक चीज से बहुत फ्रेंकली बोलता हूँ जूनियर्स को कि यार अगर आप बिग 4 के लिए जा रहे हो ना, तो अगर वो आपको एक एवरेज से ज्यादा एक्सपीरियंस दे रहा है, एवरेज से ज्यादा आपको स्टाइपेंड दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एवरेज से ज्यादा काम भी करवा रहा है, लेगा राइट। वो डीम्ड है। कोई भी एंटिटी, कोई दुनिया की कोई सी फर्म, कोई सी भी कंपनी, आप पहले ये चाहेगी कि उसका एम्प्लॉय उसके लिए काम करे। तो उस राइट चीज में मेरे को सब चीजें फेयर है, बट वही है कि आप थोड़ा प्रायोरिटाइज करके, थोड़ी चीजें टाइम मैनेज करके आप पढ़ाई का समय निकाल सकते हो। एंड तो फर्स्ट ईयर में आपने आप सीए फाइनल का क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट कर दिया था? मैंने आप ले लो कि मैंने लास्ट ईयर 2021 दिसंबर से बहुत अच्छी तरह से क्लासेस वगैरह देखना चालू करी थी। परचेज तो मैंने सितंबर 2021 में कर ली थी, बट अच्छा कंसिस्टेंसी बनाते बनाते थोड़ा बहुत मस्ती के मूड से बाहर आते आते दिसंबर जनवरी आ गया था, तो तब से थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ाई चालू हुई।
अच्छा एंड अभी नाउ यू आर हैविंग योर अटेम्प्ट इन नवंबर राइट यस मैं दिस अटेम्प्ट इसे नवंबर लगाऊँ। यस ओके सो कहने का मतलब ये है कि भले वो DU हो बिग फोर हो कुछ भी हो अगर आप में एक पैशन है तो आप सब कुछ साथ में मैनेज कर सकते हो विथ योर CA कोर्स राइट बस ट्रू ट्रू एक पैशन पैशन ऑल्सो आई सीखने का गेस एक एक सीखने का पैशन कि नहीं मुझे सब सीखना है एंड एक्सप्लोर करना है ग्रो करना है कहीं पे भी एवरेज में सेटल ट्रू नहीं करना है ट्रू ट्रू वो तो आई गेस सारे सी स्टूडेंट्स को चाहिए, बिकॉज एक ड्राइव होनी चाहिए। वो ड्राइव कहीं ना कहीं पैशन से आएगी। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बनना है या फिर एक अबाव एवरेज बनना है, तो वो ड्राइव उसी से आती है कि यार मुझे भीड़ से थोड़ा अलग जाना है, कुछ अलग करना है। तो उसके लिए आप थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, वो अंदर से आ जाता है कि चलो यार गिव इट अ ट्राई, गिव लेट्स पुश इट, थोड़ा बाउंड्रीज पुश करता है। बिल्कुल बिल्कुल एंड आप तो आई थिंक भीड़ से अलग अभी बन चुके हैं लिंक्डइन पे भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि वहां का जर्नी कभी स्टार्ट किया मतलब पॉपुलर तो क्या ही, लाइक आई स्टिल थिंक देर इज अ लॉन्ग वे टू गो इन वॉट एवर एस्पेक्ट आई एम डूइंग द वर्क। सो कंटेंट क्रिएशन बेसिकली जब मेरी आर्टिकलशिप लगी थी अप्रैल 2021 से, मैं तभी से कर रहा हूँ। और मैंने स्टार्ट किया था आर्टिकलशिप के और कॉलेज के मिथ ब्रेक करने से, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मिसगाइडेंस थी, काफ़ी सारे ऐसे जो आजकल जिनको इन्फ्लुएंसर और गुरुज मेंटर्स बोलते हैं कॉलेज में, वो उतने करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। क्योंकि मैं तो अच्छा फर्स्ट हैंड रिसीवर था, मेरे को पता था उनकी इन्फॉर्मेशन करके कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। राइट सो आई स्टार्टेड टू ब्रेक द मिथ, तो वहां से चालू हुआ। वहां से लोगों को कंटेंट पसंद आया, लोगों ने फॉलो किया, लोगों ने फिर तरह तरह की चीजें पूछी, तो उन क्वेश्चंस का ही कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। तो उसके बाद कंटेंट फिर अभी आप ही पूरा लिखते हो अपने पेज पूरा की या पूरा पूरा सब कुछ कैसे मैं ही टाइम मैनेज करता मैनेज हूँ। कैसे हो जाता है आपका बेसिकली एक शेड्यूल क्या रहता है नॉर्मल डे का स्केड्यूल नॉर्मल डे का अब तो ऐसा है कि आई वेक अप एट अराउंड 4:30 और 5, 10 तक लेक्चर्स चलते हैं मेरे। अच्छा उसके बाद 10 to 11 में रेडी होके ऑफिस निकल जाता हूँ। 11 से फिर इवनिंग तक 7-8 बजे तक जब तक भी होता, कभी लेट नाइट भी निकालना पड़ता है तो 9-10 भी बच जाता है। बट हाँ, ऑन एन एवरेज डे 7-7:30 बजे तक फ्री हो जाता है। फिर वापस PG आके इट इज लाइक कि कुछ नोट्स वगैरह बना लिए, रिविजन कर लिया, और रात को बैठे बैठे थोड़ा कुछ पढ़ लिया और लिख दिया अच्छा थोड़ा बहुत, तो मतलब वो रहता है। शाम के टाइम कोई इवनिंग टाइम पे लेक्चर नहीं देखते हो आप सिर्फ रिवाइज करते हो हाँ, इवनिंग टाइम पे लेक्चर देखना मैं प्रेफर नहीं करता, थोड़ा सा लेथार्जिक होता है थोड़ा माइंड, क्योंकि इतना ऑक्यूपाइड हो जाता है। क्योंकि आप सुबह ऑलरेडी 4-5 घंटा लेक्चर देख के ऑफिस जाके ऑफिस में दिमाग लगा के आ रहे हो, सो इट इज राइट लाइक माइंड थोड़ा सा ना वो कम एक्टिव हो जाता है। तो अगर मैं लेक्चर देखना भी चाहूँ तो आई हैव पर्सनली फेल्ट कि मेरे को वो रिटेन कम होगा, मेरे को समझ कम आएगा। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि चलो कुछ हाथ चलाने वाला काम कर लेता हूँ। तो या तो राइट मैं नोट्स बना लूंगा, या तो कोई सम सॉल्व कर लूंगा, या तो कुछ भी स्क्रिबलिंग करके कुछ पढ़ लूंगा, ताकि क्या वो हाथ चलेगा तो थोड़ा दिमाग भी चल जाता। सो आई लिव इट ऑन माय लिबर्टी। कई बार ऐसा होता है कि मेरा घर आने के बाद पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो मैं मूवीज भी देखता हूँ, मैं अच्छा बाहर कैफेज में घूमने भी चला जाता हूँ, तो वो सब भी करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हर चीज मैनेज कर लेते हो अगर आप एक प्रॉपरली डिसिप्लिन शेड्यूल फॉलो करो तो राइट एकदम सुबह हाँ 4-5 बजे उठना पड़ता है हाँ उठना तो पड़ता है। लाइक आप ये कर सकते हो, जैसे ये मेरी बहुत पुरानी चीज रही है कि कॉलेज में भी जब मैं था तो मैं करके चलता था कि अपने आप को रिवॉर्ड करता था बीच बीच में कि अच्छा ठीक है, अगर इतने लेक्चर देख लिए, इतना सिलेबस कर लिया, तो चलो लेट्स गो एंड खुद को रिवॉर्ड करता था, घूमने चले गए घूमते। तो वो तो मतलब मैं आज भी पहले एक करता रिवॉर्ड सेट कर लो और अपना टारगेट के अकॉर्डिंग सेट कर लो कि ये मेरा टारगेट है एंड एज सून एज आई कंप्लीटेड माय टारगेट तो आई हैव टू गिव दिस रिवॉर्ड टू मी माय सेल्फ राइट वो स्टार्टिंग से करता था। वैसे आज भी हर सैटरडे या संडे मेरा फिक्स रहता है कि मैं मूवी देखने जाऊंगा, बिकॉज आई लव वॉचिंग मूवीज, तो आज भी ओके जाने वाला हूँ मैं, एक तो वही मेरे बात है। 2021 इज द ईयर जब मतलब लॉकडाउन वाला वो पूरा सॉर्टेड हुआ था चीजें तभी ऐसा हो गया था कि लिटरली मैं भी हर वीक मूवीज पे जाया करती थी वो अलग ही एक वो होता है राइट कि यस हाँ यस मतलब यस यार अगर हमने पूरे 5 दिन अच्छे से काम किया है अच्छे से मेहनत करी अच्छे से पढ़ाई करी है पूरा मंडे टू फ्राइडे देन सैटरडे संडे तो थोड़ा बहुत तो बनता है खुद के नाम पे भी ट्रू 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 वो तो आई गेस एंजॉयमेंट जरूरी है, राइट बिकॉज सारा दिन पढ़ के भी वो फिर वही है कि आप डेप्रिशिएट हो जाओगे, मतलब नहीं बनता। राइट बट बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो उनका ये मानना होता है कि अगर आप CA में आ गए हो ना तो फ्रॉम द फर्स्ट डे
आपको अपना पूरा हर चीज सेक्रीफाइस कर करके चलनी पड़ेगी, बी इट यू नो फ्रेंड्स और मतलब हर चीज के लिए। एंड मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी एक्चुअली, शायद आपने भी करी होगी, कि काफी लोग सीए के जो हैं मतलब हमारी फ्रेटर्निटी के, वो तो परसेप्शन लोगों के दिमाग में बिठाते हैं कि आपको सेक्रीफाइस करके चलना ही पड़ेगा बहुत ज्यादा उस लेवल का, राइट यू नो, कि हर चीज छोड़ दो, अपना फोन बंद कर दो, कुछ भी, मतलब आई डोंट नो कि ये चीज मैंने, क्योंकि काफी लोगों से बात करी है एंड मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने खुद ने भी खैर हर चीज को एंजॉय करते हुए ही अपना सीए क्लियर किया है। ट्रू ट्रू, इस चीज पे तो मैंने मेरी भी काफी बात हुई है, रैंकर से भी बात हुई है, काफी सारे क्वालिफाइड से भी बात हुई है, काफी सारे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस जिनके पास 10-15 साल का है मेरी, उनसे भी बात हुई है, जिन्होंने अपने अंडर स्टूडेंट्स और आर्टिकल इंटर्न्स और सीनियर्स को ट्रेन करके ग्रो होते हुए देखा है। सो उनका यही रहता है कि सेक्रीफाइजेस एक पॉइंट पे थोड़े बहुत जरूरी हैं, यस और वो बिल्कुल, मैं जब भी आप एग्री लाइक करता हूँ। अपने एग्जाम में अगर हमारे को सिर्फ 3 या 4 मंथ्स ही है, तो उसके बाद एक टाइम के लिए आपको चीजें छोड़नी कहीं ना कहीं पड़ती है, बट आई डोंट थिंक कि आपको पूरा 4-5 साल एकदम पूरा दुनिया से कट के रहने की जरूरत है। वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आई नो सो मैनी पीपल, सो मैनी अमेजिंग इंडिविजुअल्स हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले ही कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रहे थे। सो डोंट थिंक सो कि उसमें कोई भी इश्यू है। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर सेल्फ एंड योर टाइम। इट इज ऑल अबाउट, जो चीजें बॉइल होके राइट जहाँ पे पहुंचती है वो वही है कि आप कितना अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज कर पा रहे, तो वो बात। राइट, तो मतलब हम हर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं सीए के साथ साथ, बस हाँ सेक्रीफाइस वाला चीज ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नो थोड़ा बहुत एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ता है, जबकि हाँ आप थोड़ा सा फिल्टर आउट कर लेते हो चीजें कि अभी कौन कौन सी चीजें रखनी है कौन कौन सी नहीं। तो अभी आप एक्स्ट्रा हॉबीज वगैरह कुछ के लिए टाइम निकाल पाते हो, लाइक आपका कॉलेज टाइम पे कैसा क्या था? सो यस, तो अभी भी कंटेंट क्रिएशन तो चल ही रहा है यार, बिकॉज कंटेंट इज समथिंग जो जिसके लिए मैं टाइम निकाल लेता हूँ। मतलब वो फील नहीं होता कि मुझे टाइम निकालना पड़ रहा है, इट इज लाइक कि ठीक है मैं कुछ पढ़ता हूँ या कुछ भी चीज अगर मुझे अच्छी लगती है पढ़ने में, कोई आर्टिकल इंटरेस्टिंग लगता है मैं पढ़ता हूँ उसकी, अब समरी बना के लिखने में, अब क्योंकि मैं 3 साल हो गए मुझे लिखते लिखते, तो अब मुझे 15-20 मिनट लिखते हैं ना, आई एम डन विद इट। सो कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल मैं साथ साथ में चलाता हूँ, एंड मूवीज का बहुत शौक है मुझे बहुत ही ज्यादा। सो एवरी सैटरडे संडे में अगर कोई अच्छी मूवी लगी होती तो आई गो एंड वॉच इट फॉर श्योर डेफिनेटली, क्योंकि वो एक्सपीरियंस का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मूवी देखने का। राइट और राइट राइट थर्ड, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का शौक है, अगर कभी मौका मिलता है कहीं नई जगह एक्सप्लोर करने का या कहीं अच्छी जगह देखने का, तो जरूर मैं जाता हूँ टाइम निकाल के। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, लाइक कुछ सोचा है कि सीए बनके क्या अभी जॉब ही में इसमें जाना है कि क्या करने का है? वो तो खैर बाकी चीजें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर हो जाती है, बट फिर भी इवन दो कुछ ना कुछ हमारे माइंड में हमेशा होता है। सो एज ऑफ नाउ मेरे माइंड में तो यही है कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। तीन अभी तो 2 साल हुए ईवाई में, एंड जो जर्नी और एक्सपीरियंस रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है, काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है, काफी सारी चीजें सीखने को मिली है। सो आई गेस थोड़ा सा और अगर मैं इंडस्ट्री में टाइम बिताऊंगा, और व्हेन इट कम्स टू, मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑडिट और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इन तीनों में से किसी एक चीज दो चीज को मैं एक्सप्लोर और करना चाहूंगा डेफिनेटली, क्योंकि 5 साल काफी अच्छी अगले अगर एरिया मैं सी एक्सप्लोर। है, काफी या एकदम कह सो सकते हैं मतलब क्लीनी एरियाज की, बहुत अच्छा, यहाँ पे हर कोई नहीं पहुंच पाता है। ट्रू ट्रू ट्रू, सो थोड़ा सा मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी फाइनेंस और स्टार्टअप से रिलेटेड है, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें एक्सप्लोर करूंगा साइड बाय साइड, कंटेंट क्रिएशन चलता रहेगा, एक दो और आइडियाज भी हैं वो आई गेस साइड बाय साइड में करूंगा जरूर। आई विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग एंड टिल द टाइम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर लेता तब तक रुकूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सो बहुत अच्छा लगा जय आपसे बात करके, एंड कुछ ऐसा चीज जो कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहोगे? सो आई वुड ऑलवेज से कि कभी गिव अप मत करो, चाहे कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, यू नो योर सेल्फ बेटर, तुम्हें खुद का पता होना चाहिए कि तुम कितने कैपेबल हो, और जितना तुम्हें पता है कि तुम कैपेबल हो तुम डेफिनेटली उससे भी ज्यादा कैपेबल हो। सो ऑलवेज ट्राई टू राइट, एम हायर, आई थिंक इसमें मैं आप एक अपने चीज लिमिट। ऐड करना चाहूंगी कि हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है, बट मे बी यू नेवर नो कि सामने वाला आपको देख के कितना इंस्पायर हो रहा हो, राइट? ट्रू ट्रू, हमें हमारी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कैपेबिलिटीज पे अक्सर डाउट होने लगता है, बट सामने वाले से जब सुनते हैं कि अच्छा यू आर डूइंग सो गुड एंड ऑल दिस, तभी लगता है कि अच्छा भी कुछ कर रहे हैं हम लोग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सो नेवर गिव अप एंड कीप गोइंग यार, कीप गोइंग। फॉर स्पेशली टू माय जूनियर्स मैं यही कहता हूँ कि आप लोग, यू गाइस आर मेंट टू बी बेटर देन अस।
आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप कहीं ना कहीं हमसे बेटर बनना आपको पड़ेगा हमसे बेटर, क्योंकि आपके पास हमारे से ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड यू आर मेंट टू बी एवोल्यूशन बिल्कुल, एवोल्यूशन आगे आप एवोल्यूशन देखो ना कि भले हम टेक वर्ड में भी बात करें, ऐसा कितना मतलब जो डिजिटली भी जो चीजें जब सब कुछ मिलती जा रही है। आई रिमेम्बर हमारे टाइम पे ना इतना यूट्यूब लेक्चर्स का जो रिविजन लेक्चर्स इतने अवेलेबल ही नहीं होते थे, और वो सब तो चीजें भी बाद में आई थिंक जब से ये 2017-18 वाले एरा से ये सब चीजें अभी स्टार्ट हुई, रिविजन लेक्चर का जो क्रेज हुआ है वो 18 से हुआ है। इतना हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, जब हम लोगों ने अपना सीपीटी दिया, अपना आईपीसीसी दिया, हम लोग क्योंकि उस ओल्ड कोर्स से दिए थे, तो हमारे टाइम पे सब कुछ जो था फेस टू फेस वाला वो सब सीन था, हम लोगों ने पूरा कोचिंग्स वैसा किया था। एब्सोल्युटली यार, और अभी अभी मैं रिसोर्सेज देखती हूँ तो तो हमारे यार पास अंतर आपको है। इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज अपने घर पे आपको पेन ड्राइव में मिल रहे हैं, तो व्हाट कैन बी बेटर देन दिस कि आपके पास अभी इतने सारे बेस्ट फैकल्टीज के ऑप्शन है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस, सो इट वॉज अ नाइस सेगमेंट विथ यू, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, यू नो। थैंक यू सो मच गुंजन, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई रियली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन। ओके जय, बाय, ओके गुड डे, बाय बाय। गुड डे।